कक्षा प्लस टू आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह व्याख्या नंबर 3 प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सृजन में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहले बादलों के दृश्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश और जिलमिलाता आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। सूर्य के उदय होते ही आकाश का ये उषा का जादू जैसा मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। विशेष कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व की सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गोरी रमणी की जल में झिलमिला करती देह बताया है। दूसरा लगता है सूर्योदय के समय भी पीली ज्योति रूपी सुंदरी नीले आकाश रूपी जल में सारे रंग गायब हो जाते हैं। तीसरा है बिंब विधान अद्भुत और मनमोहक है। चौथा है भाषा सरल है, शब्दों का चयन विषय के अनुरूप है। पांचवा है वर्णन शैली में कवि की शब्द चित्र अंकित करने की कुशलता प्रमाणित हो रही है। छठा बिंदु है काव्यांश में नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पाठ खत्म हुआ। इसके गृह कार्य के प्रश्न, पहला प्रश्न है लाल केसर तथा खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। दूसरा है उषा कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है प्रातः नभ को बहुत नीला शंख जैसा बताकर कवि आकाशीय दृश्य की क्या विशेषता बताना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है उषा का जादू टूट क्यों गया स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है शमशेर बहादुर की कविता उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवंत दस्तावेज है स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके होमवर्क के प्रश्न थे। अब सातवां पाठ शुरू होता है हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय। हालावाद के प्रवर्तक कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। बच्चन जी की प्रारंभिक कवि रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खय्याम की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनकी रचना मधुशाला की काव्य मंचों पर धूम मच गई थी। प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी उनकी कविता आरंभ में इश्क प्यार पीड़ा और मैं खाने तक सीमित रही। आगे उसमें प्रौढ़ता और गंभीर चिंतन को भी स्थान मिला। रचनाएं कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण एकांत संगीत मिलन यामिनी सतरंगिणी आरती और अंगारे आदि है। चार खंडों में बच्चन जी की
आत्मकथा तथा कुछ अनुदित पुस्तकें भी हैं। सन 2003 में बच्चन जी का देहावसान हो गया। पहली व्याख्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक सृजन में संकलित कवि की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि वह जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सभी के प्रति प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करता है। वह जग स्वाति बातें न करके अपने मन के गीत गाया करता है। व्याख्या, कवि बच्चन जी कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तर दायित्व हैं जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम तथा स्नेह के भाव विद्यमान है। दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। उस मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं सदैव प्रेम की मदिरा में व्यस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। ये संसार उनकी प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं, परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। विशेष कवि को अपने संबंधियों, मित्रों, स्वजनों से गहरा प्रेम है। ये प्रेम उसके मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है।